माय चैनल, मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक मतलब कि जो बहुत ज़्यादा इंस्टेंट है, मतलब आजकल चल रहे हैं शादियों का सीज़न चल रहा है, समर भी बहुत है, मतलब स्वेटिंग भी बहुत हो रही है, लेकिन मैरिजेस बहुत हो रही हैं। तो मैंने सोचा चलिए इंस्टेंटली रिजल्ट देने वाला एक फेस पैक और एक स्क्रब शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा स्क्रब है और इजी पीजी सा है, बस तुरंत से बन जाएगा, कोई ज़्यादा इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है आपको और फटाफट से ये बन जाता है और बहुत ही इजी है और आपको सारे ही चीज़ें आपको घर में ही मिल जाएंगी। आप आराम से सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो और आपको इससे 100% रिज़ल्ट मिलेगा अगर आप इसको लगाते रहे तो। जब मतलब आपके यहाँ अगर कुछ समय बाद कोई पार्टी फंक्शन है आपके घर में है या कहीं आपको जाना है, उससे पहले आप ये यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो, थोड़ा सा हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, तो बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए, हिट करेंगे तो आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आप उसको भी देख पाएंगे। बस यही फ्रेंड्स, आजकल बहुत ही ज़्यादा मतलब समर तो है ही, गर्मियाँ तो चली रही हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन जो कि बहुत ही अच्छा है ये जो मैंने पैक बनाया है, आपको सारी चीज़ें घर में ही अवेलेबल हो जाएंगी, मतलब आपके घर में किचन में ही मिल जाएंगी, ज़्यादा मोस्टली चीज़ें आपको किचन में मिल जाएंगी। और जो कुछ भी मतलब कुछ लिक्विड वाली चीज़ें हैं तो वो आप यूज़ करते ही रहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगी और ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। आप इसको हफ्ते में 1 से 2 बार आप इस्तेमाल कर लीजिए, मतलब चाहे तो एक दिन छोड़कर भी लगा सकते हो आप, और अगर आप चाहें तो 2-3 दिन मतलब 2 से हफ्ते में 2 बार भी लगा सकते हो, या फिर हफ्ते में एक दिन छोड़ के मतलब एक दिन का गैप भी कर सकते हो आप, तो आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हो और आप खुद भी देख लेंगे कि आपकी स्किन भी ग्लो कर रही है, आपकी जो कि कोई स्किन पर प्रॉब्लम है, आपकी जो पिंपल हैं मतलब मुहासे हैं अगर आपको, या फिर आपकी स्किन पे थोड़े से दाग धब्बे हैं तो वो भी धीरे धीरे से कम होने शुरू हो जाएंगे। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिए। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले देखते हैं कि स्क्रब को कैसे बनाना है, फिर उसके बाद हम फेस पैक को बनाना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद मैं बताऊँगी आपको। पहले मैं स्क्रब बता देती हूँ आपको कि इसको कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, स्क्रब के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा शुगर, ये मैंने थोड़ा सा ही शुगर लिया है, मतलब मुझे इतना ही चाहिए, और मैं लूँगी थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, बस इतना ही कोकोनट ऑयल ले रही हूँ मैं। और फिर लूँगी मैं थोड़ा सा लेमन जूस, ये 1 लेमन जूस का हाफ है, ये आधा ले लूँगी मैं और इसमें डाल दूँगी। और इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है, फिर आपको इस्तेमाल करना है 3-4 मिनट आप इसको इस्तेमाल कीजिए और फिर आपने फेस को वॉश कर लीजिए। अब इसको मिक्स करना है अच्छे से। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा फेस एकदम क्लीन है, मैंने अभी कुछ भी नहीं अप्लाई किया है, मैं अभी फेस वॉश कर आई हूँ। और मैं स्क्रबिंग करने से पहले थोड़ा सा रोज़ वाटर ले रही हूँ और अपने स्किन को थोड़ा सा वेट कर लूँगी अपने फेस को, फिर उसके बाद स्क्रबिंग करूँगी। ये देखिए स्क्रबिंग है, वो ये स्क्रबिंग है और मैंने इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें ही ली हैं, मतलब 3 आराम से आपको लग जाएंगी, तो ऐसे ही जेंटली रहना है आपको। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप आलमंड ऑयल डाल सकते हो या फिर आप हनी के साथ बना सकते हो, तो इस तरह से ही आपको अप्लाई कर लेना है। 2 से 3 मिनट आपको ऐसे ही
करते रहना है, तो हल्के हाथों से करना है एकदम, और अच्छा रहेगा, स्किन आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो देख लीजिए आप कि मेरी स्किन कितनी शाइनी दिख रही है अभी, ये लगाने से पहले भी बहुत ही अच्छा था, मेरा फेस एकदम क्लियर था। तो ऐसे ही स्किन आपकी भी हो जाएगी अगर आप तो इसको लगाते रहे तो आपको बस बहुत ही इंस्टेंट है ये, रिज़ल्ट बहुत अच्छा देता है। और मैंने अपने लिप्स पर कुछ भी नहीं अप्लाई किया, सिर्फ एक लिप बाम अप्लाई किया है, दैट्स इट। इतना ही लगाती हूँ मैं कोई भी स्क्रबिंग करने से पहले या फिर फेस पैक से पहले, सिर्फ क्योंकि अच्छा लगे वीडियो में, इस वजह से सभी लोग यही करते हैं। तो मैं 2 से 3 मिनट ही ये स्क्रबिंग कर लूँगी। मसाज करनी है, मतलब स्क्रबिंग के साथ साथ मन को अच्छे से मसाज करनी है। अगर आपकी इधर पे बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है आपकी आईज के एरिए में, तो आप इसको आराम से हल्के हाथों से, बिल्कुल कि सिर्फ ऑयल आए बस इतना ही, हल्के हल्के हाथों से आपको स्क्रबिंग कर, मतलब स्क्रबिंग क्या, मसाज करनी है। और अगर आपकी आईब्रोज नीचे की तरफ हैं तो आप इस तरह से मसाज कीजिए, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अगर आपको नहीं पता है, मतलब नहीं जानते हैं आप, तो ऊपर की तरफ कोई भी लिफ्ट कीजिए इस तरह आईब्रोज, तो आपकी जो स्किन, यहाँ की जो स्किन है वो ऊपर की तरफ रहेगी, तो आपकी झुर्रियाँ जल्दी नहीं आएंगी। और ये स्क्रब करने से आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, आपकी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव भी हो जाएंगे, और आपकी स्किन में अगर छोटे मोटे अगर स्किन में थोड़ा सा वो झुर्रियाँ वगैरह हैं, लाइनिंग है, ये रिंकल्स आ गए हैं हल्के फुल्के, तो वो भी इससे रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने कोकोनट ऑयल दिया है। कोकोनट ऑयल आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, जिस वजह से कोई भी ऑयल ले लीजिए, क्योंकि आप किसी भी ऑयल से करेंगे ना तो आपकी स्किन अगर ड्राई रहती है ना, तो ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। और अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है, ऑयली स्किन वाले हैं, तो ऑयल को स्किप करके आप हनी के साथ बना सकते हो या रोज़ वाटर के साथ बना लीजिए। बहुत ऑप्शन होते हैं, ये आपके ऊपर है आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हो, आपको मेरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं स्क्रबिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इस पैक के लिए ले रही हूँ थोड़ा सा ये कर्ड है, मतलब कि दही है ये, और ये आपको घर का बना मिल जाए तो भी ले लीजिए आपके, या फिर मार्केट का भी ले सकते हो आप। और मैं ले रही हूँ बेसन 1 स्पून से, थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँगी। और मैं इसमें भी लेमन ले रही हूँ, लेमन लूँगी मैं 1/2। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो भी अच्छा, उसके लिए भी अच्छा है ये कर्ड, और या फिर आपकी स्किन में मतलब ऑयली स्किन है उसके लिए भी अच्छा है। अगर आपकी जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप रॉ मिल्क ले लीजिए, मतलब कच्चा दूध ले लीजिए। और मैं लूँगी थोड़ा सा, ये मैं ले रही हूँ रोज़ वाटर। और मैं लूँगी थोड़ा सा डाबर का हनी। और मैं लूँगी थोड़ी सी टर्मरिक, ये बाइल टर्मरिक है तो मैं यही ले रही हूँ, मतलब ये कस्तूरी हल्दी है, थोड़ा ही लूँगी मैं, बस इतना ही ले लूँगी, मुझे अच्छा लगता है हल्दी ज़्यादा डालना तो मैं ले रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है, इसे कलर नहीं आएगा, सिंपल ही रहने वाला है।
थोड़ा सा रोज़ वाटर और ऐड कर रही हूँ। अब बस मिक्स करके अप्लाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से ये देखिएगा आपको, ये मैंने ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा हल्दी नहीं डाली है, टर्मरिक इतना नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों वीडियो में बहुत ज़्यादा टर्मरिक दिखाई देता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा येलोइश दिखाई देता है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये आप जब खुद बनाओगे ना तब पता चल जाएगा कि इतना डार्क है या नहीं। तो अब मैं थोड़ी देर इसको लगा लूँगी, 10 से 20 मिनट के लिए इसको लगा लेना है और आराम से इसको लगा कर छोड़ दीजिए। और मेरा फेस एकदम क्लीन है, अभी मैंने स्क्रब किया है। शहद मैंने इसलिए लिया है, हनी मतलब इसलिए लिया है क्योंकि आपकी स्किन इससे हाइड्रेट भी रहेगी, आपकी स्किन में अगर फाइन लाइंस वगैरह आ रही हैं, शुरू हो रही हैं, मतलब वो भी शुरू नहीं होंगी और मतलब कम हो जाएंगी, बहुत ही कम हो जाएंगी, कम मतलब इन द सेंस मतलब कि रुक जाएंगी वहीं जहाँ पर वो आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको ऐसे हाथ से लगा लीजिए ये पैक, या फिर आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो, पर मुझे हाथ से ही अच्छा लगता है तो मैं हाथ से ही लगा लेती हूँ। इस तरह से अप्लाई कर लेना है। मिनट आप इसको लगाएंगे ना तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा, अगर आप इसको रोज़ लगाते हो या एक दिन बाद स्किप करके लगाते हैं, वन डे स्किप कर देते हैं, तो भी आपकी स्किन बहुत ही अच्छी शाइनी हो जाएगी, ग्लोई नज़र आएगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ इसको मैं अब 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में 20 मिनट बाद। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा ये पैक को 20 मिनट हो चुके हैं, तो मैं अब इसको वॉश करने जा रही हूँ। एक्चुअली इसमें हनी है और कर्ड है तो इतना ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ है, और ये मोटा मोटा भी मैंने लगाया हुआ था, थोड़ा थिक लगाया हुआ था, तो इस वजह से। तो मैं वॉश कर आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट कैसा आया, मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने देख लीजिए अपने फेस को वॉश कर लिया है और आप मेरी स्किन देख सकते हो, और मैंने अभी कुछ भी नहीं अप्लाई किया है। मैं अब इस पर सिर्फ एलोवेरा जेल लगा लूँगी, या फिर मैं जो कल रिव्यू किया था वो वाला जेल लगा लूँगी, नीम वाला जेल, और नीम और एलोवेरा जेल लगा लूँगी, तो बहुत ही अच्छी स्किन हो जाएगी मेरी। तो देख लीजिए, और अगर आप खुद जब देखेंगे ना, ट्राई करेंगे, जब आप खुद बनाएंगे ये पैक, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितना सॉफ्ट और स्किन एकदम स्मूथ हो गई है बिल्कुल। जो थोड़े बहुत निशान वगैरह रहते हैं तो वो चलते हैं इतना तो, लेकिन स्किन आप एकदम देखेंगे ना तो बहुत ही शाइनी और चिकना, बिल्कुल बहुत ही फिसलता है मेरी स्किन पर ऐसे हैंड। देखिए बहुत ही अच्छी स्किन हो गई है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और आप लोग आगे वाले वीडियोस देखते रहिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये पैक कैसा लगा, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिला या नहीं मिला। इंस्टेंट रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, ये तो मैं बता ही रही हूँ आपको। और इंस्टेंट रिज़ल्ट के साथ साथ अगर आप बहुत टाइम है, कुछ टाइम है, मतलब आपकी कहीं पार्टी में जाने के लिए, या अगर आपके घर में ही कोई पार्टी है उसके लिए, तो आप इसको रोज़ अप्लाई कीजिए, तो आपको खुद ही इसका रिज़ल्ट खुद पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको घर में ही अवेलेबल हो जाती हैं, तो इसके लिए
बहुत ही अच्छा रहता है और घर में आराम से आप बना सकते हो और अप्लाई कर सकते हो कभी भी। चलिए फ्रेंड्स बाय। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगता है ना, देखिए फेस। चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है कि इसको बनाना कैसे है और बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रिजल्ट देता है ये आपको और अच्छा भी इसका रिज़ल्ट आएगा आपको। तो आप इसको इन दोनों को ही एक साथ में अप्लाई कीजिए, मतलब एक दिन में ही ये, जैसे आप अगर इस फेस पैक लगा रहे हैं तो स्क्रब भी साथ में पहले स्क्रब कीजिए, उसके बाद ही आप फेस पैक लगा लीजिए तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपको, मिलेगा आपको। और जो मैंने रिव्यू किए हैं जो गुड वाइब्स प्लस के, और उसकी जो फेस वॉश का रिव्यू किया है मैंने, एक जेल का रिव्यू किया है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो वो वाले प्रोडक्ट भी आप ख़रीद लीजिए। वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप रिचा रॉय चैनल पर जाइए और आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी, मतलब और भी बहुत तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और भी मैं इसलिए ये सारे वीडियोस आपको देती रहती हूँ, मतलब डालती रहती हूँ स्क्रब के या फिर मतलब फेस पैक के, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। हर स्किन सूटेबल, मतलब अलग अलग स्किन, डिफरेंट स्किन होती है सारे, मतलब किसी की भी, कोई भी इंसान की एक जैसी स्किन नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है सभी लोगों की। इसलिए मैं अलग अलग तरह के आपको फेस पैक स्क्रब्स वगैरह बताती रहती हूँ, आप अप्लाई कीजिए और इसका आप खुद भी रिज़ल्ट देखिए, मतलब कैसा आ रहा है आपको, कौन सा, मतलब आप लगाकर देखते रहिए। तो अगर आपको अच्छा लगता है कोई सा भी इसमें से कोई सा भी फेस पैक, तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आप दूसरा इस्तेमाल कीजिए। जब तक आप 2 हफ्ते तक, मतलब 2 हफ्ते तक आप नहीं देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए आप पहले इसको बनाइए और 2 हफ्ते तक इसको लगाते रहिए, तो आपको खुद पता चलेगा जो भी मैं जो रेमेडीज़ बताती हूँ, होम रेमेडीज़, मतलब DIY, तो बहुत अच्छी होती हैं, घर की बनी हुई चीज़ें ही होती हैं और सिंपली वे में बताती हूँ, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हूँ मैं। पहले वाले वीडियोस भी आप, जितने भी मेरे वीडियोस हैं आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की आपकी दिक्कत है, आपको पिंपल से प्रॉब्लम है, मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल है तो स्क्रबिंग ज़्यादा मत कीजिए, बहुत ही कम इसके स्क्रबिंग करनी है, और बिल्कुल माइल्ड अगर स्क्रबिंग करनी भी है आपको तो 1 मिनट से ज़्यादा स्क्रबिंग मत कीजिए, ज़्यादा से 1 मिनट तक या फिर 1/2 मिनट तो आपको करनी है, बस हल्का ही स्क्रब कीजिए, ज़्यादा जेंटल रहिए और हार्श नहीं होना है, मतलब बहुत तेज तेज से आपको नहीं करनी है, धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज करके आप स्क्रबिंग करनी है, नहीं तो आप स्क्रबिंग को अवॉइड कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्क्रब करना ही है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं बताती हूँ। और अगर आप पिंपल के लिए कुछ चीज़ लेना चाहते हैं, मार्केट से कोई क्रीम लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट आते हैं कि आप मुझे पिंपल के लिए कोई क्रीम बता दीजिए, तो मैं बता चुकी हूँ कि आप लोगों को रूप मंत्रा क्रीम का 0 पिंपल क्रीम आपको बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए, तो आप उसको एक बार ट्राई करके देख सकते हो, या फिर आप कोई प्रॉब्लम है आपको तो न्यूट्रोजीना का जो क्रीम आती है आप वो लगा सकते हैं, मतलब पिंपल के लिए भी है वो, और कोई फेस वॉश चाहिए आपको पिंपल के लिए, तो जो मैंने अभी एक रिसेंटली ही अभी एक फेस वॉश का रिव्यू किया है, तो आप वो ले सकते हो ऑनलाइन से, या फिर आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो हिमालय का बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है नीम फेस वॉश, तो बहुत ही अच्छा रहता है और क्लीन क्लियर भी बहुत ही अच्छे फेस वॉशेज हैं, तो आप इनको सबको ट्राई करते रहिए। जैसे आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको, इसलिए मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, आपको जो सूटेबल लगे, मतलब जो अच्छा लगे पिंपल के लिए, या फिर आप ऑनलाइन में लिख कर देखिए कि पिंपल के लिए मुझे फेस वॉश चाहिए, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको कोई भी फेस वॉश, कुछ अगर आपको नहीं है इस चीज़ की जानकारी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आपको उसकी जानकारी मैं आपको दे दूँगी, और आपको अच्छा रहेगा जो भी मैं बताऊँगी। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बात हो गई है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, लाइक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाकर आपके सामने आऊँगी।
और शेयर कीजिए फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो कम से कम दूसरों को भी तो फ़ायदा हो ना, आपके रिलेशन में भी, आपके फ्रेंड सर्कल में भी। तो यही है आज का वीडियो, और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो उनसे कहूँगी मैं यही कि सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में भी और तीनों ही चीज़ें करना बहुत ही फ्री है, बिल्कुल ही फ्री है, टोटली फ्री है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा। जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आप न्यू वीडियो भी आप देख पाएंगे। इस वजह से मैं आपको बेल आइकन के लिए बोलती हूँ कि बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिए। और तीनों ही चीज़ें बिल्कुल फ्री होती हैं, तो आप लोग आराम से कर सकते हो, आपका एक रुपया भी नहीं लगेगा इसलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, बाय।